9.5 पदार्थ के भार को मोल में दर्शाना। हमने अध्ययन किया कि तत्वों का परमाणु भार या ग्राम परमाणु भार होता है तथा यौगिकों के लिए अणु भार या ग्राम अणु भार होता है। इनके आधार पर मोलों की संख्या इस प्रकार होगी। तत्वों के लिए मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे ग्राम परमाणु भार। यौगिकों या अणुओं के लिए मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे ग्राम अणु भार। कणों की संख्या को मोल में दर्शाना। किसी भी परमाणु या अणु या आयन की संख्या मोल से इस प्रकार संबंधित है। मोलों की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या बटे अवोगाड्रो संख्या। 9.5.1 आइए मोल के बारे में समझें। हमने देखा कि किसी शुद्ध पदार्थ के सापेक्षिक परमाणु अणु या सूत्र भार को ग्राम में दर्शाया जाता है, जिसमें उसी पदार्थ के एक मोल 6.022×10³ कण सम्मिलित होते हैं। गैसों के लिए हम इनके भार के स्थान पर आयतन को भी नाप सकते हैं। 0°C ताप व 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस का एक मोल 22.4 लीटर स्थान घेरता है। इससे हमें किसी सूत्र और रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को लिखने और समझने का एक और तरीका मिलता है। जब हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड किसी अभिक्रिया में भाग ले रही है और इसे CO2 के रूप में लिखते हैं, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम CO2 के एक अणु के बारे में बात कर रहे हैं? हमने जाना कि परमाणु और अणु अत्यंत सूक्ष्म कण हैं और हमारे लिए एक ऐसी अभिक्रिया को कराना असंभव है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या किसी अन्य पदार्थ का केवल एक ही अणु लिया जाए। अर्थात जब हम CO2 लिखते हैं तो इसका अर्थ एक मोल CO2 अणु भी होता है। आइए देखें कि ये किस प्रकार उपयोगी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से पानी बनने की अभिक्रिया को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। 2H2+O2 से 2H2O प्राप्त होगा। उपर्युक्त अभिक्रिया में जब हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु से अभिक्रिया करते हैं तो हमें पानी के दो अणु प्राप्त होते हैं, परंतु इस अभिक्रिया में हम आधे अणु ऑक्सीजन को किस प्रकार लेंगे? H2+1/2O2 से हमें H2O प्राप्त होगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को मोलों की संख्या द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ एक मोल हाइड्रोजन अणु और आधा मोल ऑक्सीजन अणु संयोग करके एक मोल अणु जल का बनाते हैं। इसलिए जब हम H2 लिखते हैं तब इसके दो अर्थ हो सकते हैं। पहला, एक हाइड्रोजन अणु जिसका के सापेक्षिक अणु भार 2 यूनिट है। दूसरा, एक मोल हाइड्रोजन अणु जिसका ग्राम अणु भार 2 ग्राम है। आइए अब हम एक अन्य क्रिया को देखें। H2+Cl2 द्वारा हम 2HCl प्राप्त करते हैं। इस अभिक्रिया की व्याख्या दो तरह से की जा सकती है। पहला, एक अणु हाइड्रोजन जब एक अणु क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तब 2 अणु हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं, या दूसरा, एक मोल हाइड्रोजन अणु जब एक मोल क्लोरीन अणु से अभिक्रिया करता है तो 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड अणु बनते हैं।